हड़ताल का रूप यदि सार्थक हो तो वह समाज के लिए उपयोगी है, लेकिन इसका अनुचित उपयोग अथवा दुरुपयोग देश व समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। अक्सर देखने को मिलता है कि अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए कई समूह या वर्गों के लोगों द्वारा हड़ताल की जाती है। ऐसे ही मध्य प्रदेश पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा संगठन द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है, जहां हड़ताल के 10वें दिन केलचीपुर जनपद पंचायत परिसर में कर्मचारियों द्वारा अर्धनग्न अवस्था में प्रदर्शन किया गया। दरअसल पिछले 10 दिनों से कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की जा रही है, जहां धरने पर बैठे कर्मचारी जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। कर्मचारियों के हड़ताल से जनपद पंचायत सहित ग्राम पंचायतों के सभी कामकाज ठप है। इसी दौरान सचिव संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष बजरंग शर्मा ने चर्चा में बताया कि संयुक्त मोर्चा द्वारा विधायक से लेकर सांसद तक ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, लेकिन सरकार मांगे पूरी करने के बजाय सिर्फ आश्वासन दे रही है। हड़ताल तभी समाप्त होगी जब सरकार मांगों को पूरा करने का आदेश जारी करेगी। खिलचीपुर में ग्रामीण पंचायत विकास विभाग के एवं जनपद पंचायत के तमाम संगठन यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और पिछली 19 जुलाई से वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पे बैठे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत का जो काम होता है वो सारा काम ठप पे हमारे बीच मौजूद हैं। सचिव संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष भजन शर्मा, उनसे जानते हैं कि उनकी मांगे क्या है और शासन से क्या मांगे, क्या है आपकी मांगे? हमारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का जो संयुक्त मोर्चा है, इसमें सभी संयुक्त मोर्चे का गठन हुआ है, उसमें हमारी जो अनार्थिक मांगे हैं शासन से हम निवेदन कर रहे हैं, सभी को ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करा रहे हैं। जो हमारी मांगे हैं न्यायोचित मांगे, हमारी जल्दी से जल्दी पूरी करें। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, हम वैसे ही हड़ताल पर रहेंगे, धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। कितने दिन हो गए आपको? हमें करीबन 10 दिन हो गए हैं, 19 तारीख से हम हड़ताल पर हैं। आपने अभी तक किन किन को ज्ञापन दिया? हमने अभी तक हमारे विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, सभी को अलग अलग ज्ञापन सभी दूर दे रहे हैं। जैसा कि सचिव संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष बजरंग शर्मा ने बताया कि सरकार आश्वासन दे रही है, परंतु इस बार उनका कहना है कि हम आश्वासन के लालीपाप में नहीं आने वाले हैं। हमारी मांगे सरकार जल्दी पूरे करे, तभी हम हड़ताल समाप्त करेंगे। ACN भारत खिलचीपुर से ओम प्रकाश गुप्ता।